Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the chapter pollination and fertilization. उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया था कि टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट पार्ट था, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहें, डिफिकल्ट भी ना कहें, वो क्रॉस पॉलिनेशंस में थे. क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशंस के ही वजह से वो टर्म्स बन रहे थे एडेप्टेशंस में, प्लस क्रॉस पॉलिनेशन की ही वजह से हमें कुछ एग्जांपल भी उनका याद करना पड़ा था, क्योंकि उसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो उनके टर्म्स बन गए, और उनसे उन टर्म्स के साथ साथ हमें एग्जांपल भी याद करना पड़ा. तो चैप्टर ख़त्म करने के बाद एक आपका रिवीजन लेक्चर लेते हैं. रिवीजन तो वहाँ लेक्चर में भी चलता है, लेकिन पूरा ओवरऑल इस रूप में एक लेक्चर बनाते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस के डिलीवरी आपको हम कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो सके, और यही क्वेश्चंस जब आपके रिजल्ट या पेपर में आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है. और ये कोई अलग सा नहीं है, ये वही जो लेक्चर्स हमने पढ़ाया है उसी में से ही क्वेश्चंस को निकाल के आया हूँ. अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तो वो आपको वर्क करेगा. और ये अगर लाइव सेशन चले तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम टू वे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो आप आंसर जब बताएंगे तो आपकी क्लियरिटी वहाँ पे और अच्छी हो जाएगी. लेकिन अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है. जब ज़्यादा हो जाएंगे बच्चे हमारे पास तो हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, तो उसका एक फिक्स टाइम बताना पड़ेगा, उस टाइम पे हम लाइव आपके साथ चलेंगे. तो अभी जो है उस पे हम काम करते हैं. नेम द फॉलोइंग पॉलिनेशन बाय विंड. अब आपको सारा बताया हुआ है पॉलिनेशन बाय विंड किससे होता है, उसका टर्म बताइए. पॉलिनेशन बाय बर्ड, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर कमेंट सेक्शन में आप देते हैं हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है. क्योंकि बहुत पिछली बार हमने बोला था कुछ बच्चे देते हैं, उसके बाद बच्चों ने एकदम भर दिया कमेंट सेक्शन. लेकिन अच्छा लग रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं तो ऐसा ही करिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. पॉलिनेशन बाय बर्ड, बर्ड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, सिर्फ टर्म्स हमें बताना है. The condition in which the anther and the stigma mature at the same time. इसको हमने पढ़ाया है कि वो कंडीशन का नाम बताना है जिससे एंथर और स्टिग्मा दोनों जो है कि एक समय पर मेच्योर हो जाते हैं. The fusion of male gamete and egg nucleus. तो fusion of male gamete and egg nucleus is called, क्या कहते हैं आपको बताना है. The fusion of polar nuclei and male gamete. ये भी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बताया था कि पोलर न्यूक्लियाई से जब मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा तो उसको क्या कहते हैं. इम्पॉर्टेंट मार्क कराया था कि ये आता ही आता है, बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा, इसलिए एक बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल, बोला एग्जाम्पल भी आता है, इस वजह से एग्जाम्पल भी लिया हमने. अब एग्जाम्पल में क्या है, अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, उस फ्लावर का नाम बताना है जो विंड पॉलिनेटेड है. क्लियर. अ सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, सीड्स का नाम बताना है जो मैकेनिज्म एक्सप्लोजन करता है. थर्ड इज अ सीड डिस्पर्स बाय विंड, यहां विंड पॉलिनेटेड फ्लावर था, यहां पे सीड डिस्पर्स बाय विंड बताना है. क्लियर. अ फ्लावर विच शो होमोगैमी, उस फ्लावर्स का नाम बताना है जो होमोगैमी शो कर रहा है. अब सबसे पहले होमोगैमी ही पता होना चाहिए, क्योंकि जब होमोगैमी ही नहीं पता है तो फ्लावर्स का नाम कहाँ से पता होगा. तो फर्स्ट यू हैव टू नो द टर्म्स रिलेटेड टू ऑल द एडेप्टेशन एंड द एग्जांपल एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, सब आपको जानना है. और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का नाम बताना है. तो ये दो क्वेश्चंस थे आपके लिए थे, इसको हमें कमेंट सेक्शन दीजिए, इसका इंतजार है. नॉन डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, जो आपको मार्क्स स्कोरिंग करने में मदद करते हैं.
तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको क्या शो कर रहा है, ये एरो क्या शो कर रहा है, व्हाट प्रोसेस शो इन दिस फिगर। इस फिगर में क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहा है, क्योंकि दो प्लांट बना है तो एक से दूसरे की तरफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर शो कर रहा है। डिफाइन द प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस सही समझेंगे तभी आप डिफाइन करेंगे तो दोनों के मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसके भी मार्क्स गए और ये भी गया। जब ये दो गलत हुआ तो ये भी गलत ही होगा, इसलिए पहला क्वेश्चन पहचानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना। अब ऐसा कोई इसमें नहीं आएगा कि लेबल करो ये फ्लावर है, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये एंथर है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स का आ सकता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर आ सकता है, उसकी लेबलिंग आ सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ अलग अलग हर बार दे रहे हैं आपको और फिर कुछ डिस्कस भी कर रहे हैं, तो साथ में कई क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो गई होगी तो यही सेम है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, बट द सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होना चाहिए तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हाउ डज नेचर फेवर दिस पॉलिनेशन, अब इसको नेचर कैसे फेवर करता है, अब उसके लिए हम आपको एडेप्टेशन में पढ़ाए थे, फाइव पॉइंट्स पढ़ाया था, यूनिसेक्चुअलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हर्कोगैमी, डाइकोगैमी एंड द हेट्रो स्टाइल। तो उसमें से कोई भी दो तीन या फिर पांचों लिख दीजिए कि वही फेवर करते हैं, इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और फिर उस वो बैरियर्स वगैरह जो थे, वो जो कमियां थी उनको फिल करने के लिए ही एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस वे नेचर फेवर दिस प्रोसेस और पॉलिनेशन। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चंस का डिस्कशन था, आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए और उनसे भी कहिए कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा सकें। थैंक यू।